गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने एक पेटीएम अकाउंट से 70 रुपीज का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। गाइस आपका अकाउंट नॉन केवाईसी है, केवाईसी तब भी आपको कैशबैक मिलेगा, लेकिन उस बस सिर्फ आपका अकाउंट न्यू होना चाहिए। सो गाइस अगर आप भी इस ऑफर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, साइड में आने वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको जो है अपना कोई ऐसा अकाउंट ओपन कर लेना है या आपको कोई ऐसा अकाउंट बना लेना है जिससे आपने अपने उस नंबर से जो है अभी तक अपना पेटीएम अकाउंट नहीं बनाया हो। उसके बाद सिंपली आपको जाना है मोबाइल प्रीपेड वाले ऑप्शन पे, आपको जो है अपना ऐप वो नंबर दे देना है जिस पर आप अपना रिचार्ज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अमाउंट में दे देना है 50 रुपीज़ एंड आपको डायरेक्टली प्रोसीड टू चार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा हैव ए प्रोमो कोड, कैसे आपको जो है यहाँ पे डाल देना है GRAB GRAB50 डालने के बाद इसको अप्लाई कर देना है। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं GRAB50 प्रोमो कोड मेरे अकाउंट पर सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है। उसके बाद मैं प्रोसीड टू पे करने के बाद इसकी पेमेंट कर देता हूँ अपने UPI ID से, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो नॉन KYC है। गाइस आपको पता होगा अगर आपका अकाउंट नॉन KYC होता है तो आपका जो कैशबैक है वो आपको गोल्ड बैक के रूप में मिलता है। मान लीजिए अगर आप 50 रुपीज़ का रिचार्ज कर रहे हैं, आपका अकाउंट नॉन KYC है, तो आपको 48 रुपीज़ का गोल्ड बैक मिलेगा जिसको आप सेल करके उसका पैसा अपने बैंक अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। सो गाइज मैं पे नाउ पर क्लिक करता हूँ एंड जो रिक्वेस्ट ही मेरे दूसरे पेटीएम अकाउंट पे आएगी, जो मैं इसको वहाँ से पे कर दूंगा तो मेरा जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो जाएगा एंड गाइज मुझे जो है कैशबैक भी मिल जाएगा। आपको पता होगा गाइज अगर कोई प्रोमो कोड आपके अकाउंट पर अप्लाई हो जाता है तो उसका आपको कैशबैक है 100% मिल जाता है। सो गाइज मैं जो यहाँ पे UPI पिन देने के बाद इसकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे गोल्ड बैक इंस्टेंट मिला या नहीं मिला। गाइज अगर आपको कैशबैक इंस्टेंट नहीं मिलता है तो आपको विदिन 24 आवर्स का वेट करना होगा एंड आपको जो कैशबैक है वो आपके गोल्ड बैक के रूप में मिल जाएगा। अगर आपका अकाउंट नॉन KYC, अगर आपका अकाउंट KYC है तो आपको जो कैशबैक है वो डायरेक्टली आपके पेटीएम वॉलेट में मिलेगा। सो गाइस उसके बाद मैं जाता हूँ गोल्ड वाले ऑप्शन पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुझे जो है 48 रुपीज़ का यहाँ पे जो है गोल्ड बैक मिल चुका है, क्योंकि मैंने आपके सामने भी 50 रुपीज़ का रिचार्ज किया था एंड गाइज मेरा अकाउंट नॉन KYC है इसलिए मुझे यहाँ पे गोल्ड बैक मिला। गाइज मैं जो आपको अपनी पासबुक चेक करा देता हूँ कि मुझे यहाँ पे 48 रुपीज़ का जो गोल्ड बैक मिला है वो यहाँ पे कहाँ पे मिला है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुझे जो है अभी अभी 10:14 पे आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं मुझे जो है अभी अभी यहाँ पे गोल्ड बैग मिला है 48 रुपीज़ का, क्योंकि मैंने जो है GRAB50 प्रोमो कोड को अप्लाई किया था उसके लिए मुझे 48 रुपीज़ का गोल्ड बैग मिल चुका है। सो गाइस अब बात करते हैं कि आपको 20 रुपीज़ का और मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री में कैसे करना है। उसके लिए फिर से आपको अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर दे देना है एंड आपको अमाउंट में दे देना है इस बार 20 रुपीज़। गाइस 20 रुपीज़ देने के बाद आपको डायरेक्टली प्रोसीड टू चार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से आपके सामने एक ऑप्शन आया हैव ए प्रोमो कोड का एंड गाइस फिर से आपको जो है यहाँ पे मंथली 20 प्रोमो कोड अप्लाई करना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है अ नंबर कैन बी रिचार्ज मैक्सिमम 5 टाइम पर मंथ यूजिंग दिस कोड। गाइस मैंने जो है अपने एक ही नंबर पे इस कोड को 5 बार अप्लाई कर लिया इसीलिए मुझे मना कर रहा है, तो मैं यहाँ पे अभी दूसरा नंबर देने के बाद इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपना दूसरा नंबर दे दिया, उसके बाद मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मंथली 20 प्रोमो कोड ही मेरे अकाउंट पर अप्लाई हो चुका है। गाइज मेरा जो अकाउंट है नॉन KYC, अगर मैं 20 रुपीज़ का मोबाइल रिचार्ज करता हूँ मंथली 20 प्रोमो कोड को अप्लाई करके तो मुझे लगभग 19 रुपीज़ का गोल्ड बैक मिलेगा। चलिए मैं इसको फिर से प्रोसीड टू पे एक बार क्लिक करने के बाद इसकी जो पेमेंट है वो अपनी पेटीएम के दूसरे अकाउंट की BHIM UPI ID से कर देता हूँ। गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है 20 रुपीज़ का मोबाइल रिचार्ज यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद मैं जाता हूँ गोल्ड वाले ऑप्शन पे एंड देखते हैं कि मुझे कैशबैक मिला या नहीं मिला। सो गाइज आप देख सकते हैं मुझे जो है गोल्ड बैक यहाँ पे मिल चुका है। पहले मेरा जो यहाँ पे गोल्ड था वो 48 रुपीज़ का था एंड यहाँ पे अब हो चुका है 68 रुपीज़ का। मैं जो है पासबुक आपको जो है चेक करा देता हूँ कि मुझे अभी जो और गोल्ड बैग मिला है वो यहाँ पे कहाँ पर मिला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुझे जो है अभी अभी यहाँ पे गोल्ड बैग रिसीव हुआ है जो मैंने 20 रुपीज़ का रिचार्ज किया था। मैंने आपको पहले बताया था गाइस लगभग आपको 19 रुपये कुछ पैसे का गोल्ड मिलता है, तो आप जो इस गोल्ड को सेल करके उसका जो पैसा है वो अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन गाइस ये दोनों प्रोमो कोड सिर्फ न्यू यूजर के लिए हैं जिन्होंने आपने अभी तक अपने पेटीएम अकाउंट से कोई भी रिचार्ज नहीं किया है। दोस्तों अगर आपका अकाउंट नॉन KYC है तो आप उसकी जो पेमेंट है वो अपनी फोनपे की UPI ID से, या आप अपने तेज अकाउंट की अगर आपके पास दूसरा कोई पेटीएम अकाउंट है तो आप उसकी UPI ID से कर दीजिए। आपका जो कैशबैक है गाइज वो आपके गोल्ड बैक के रूप में मिलेगा। अगर आपके पास KYC अकाउंट है तो गाइज आप जो पैसा है अपने पेटीएम वॉलेट में डाल लीजिए, उसके बाद आप जो उसकी वहां से पेमेंट कर दीजिए तो आपका जो कैशबैक है वो डायरेक्टली आपके पेटीएम वॉलेट में मिलेगा। सो गाइज आपको जो है सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसकी जो गोल्ड है वो यहाँ पे सेल कर देना है एंड आपको जो पैसा है जो भी कुछ आप यहाँ पे डिटेल देंगे अपने बैंक अकाउंट की उसी पर आपका जो पैसा है वो रिसीव हो जाएगा। गाइज अगर आपको गोल्ड सेल करना नहीं आता तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज आपके पास जितने भी पेटीएम अकाउंट है आप उन सब अकाउंट में 70 रुपीज़ का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री में कर लीजिए। आपके पास गाइज ये मौका है, कभी भी खत्म हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो ऑफर आपको बताया काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, साइड में आने वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑन करिएगा। गाइस वीडियो को लाइक जरूर।